नमस्कार, न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने शनिवार को मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलिया जी पहुंचकर भगवान श्री सांवलिया जी सेठ के दर्शन किए। ज्ञात हो कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होते हुए पूर्ण बहुमत हासिल कर सरकार बनाने की खुशी में प्रदेश अध्यक्ष जोशी सांवलिया जी पहुंचे। जोशी के सांवलिया जी पहुंचने पर श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा, पूर्व सदस्य भैरूलाल सोनी, पूर्व सरपंच हजारीदास वैष्णव, मंडल अध्यक्ष विजय सिंह, युवा मोर्चा अध्यक्ष पवन तिवारी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य कंवरलाल गुज्जर, सूरज सोनी, अर्जुन वैष्णव, रवि शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष अशोक पारलिया, पंकज जारौली, अनिल शर्मा, श्यामलाल दबी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अगवानी कर स्वागत किया। मंदिर में पहुंचने पर ओसरा पुजारी ने परंपरा के अनुसार श्री सांवलिया सेठ का चरणामृत तुलसी पत्र भेंट कर उपरना पहनाकर प्रसाद भेंट कर स्वागत किया। जोशी ने भगवान श्री सांवलिया सेठ के दर्शन कर प्रदेश में भाजपा को जीत दिलाने के लिए प्रदेश की जनता का आभार जताया। जोशी के साथ में चित्तौड़गढ़ भाजपा जिलाध्यक्ष मिठूलाल जाट, युवा मोर्चा पूर्व जिलाध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह, श्रवण सिंह, कमलेश पुरोहित, रघु शर्मा, कृष्णपाल सिंह, जिला परिषद सदस्य गोपाल धाकड़ सहित भाजपा के कई पदाधिकारी भी सांवलिया जी पहुंचे। गुरुजी के चरणों में यही प्रार्थना कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की शासन बना और हम लोगों के बीच के एक साथी राजस्थान के प्रधान सेवक के रूप में कल शपथ ली। और मैं सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद राजस्थान एक प्रगतिशील विकसित राज्य की ओर अग्रसर होगा, जहां सुशासन होगा, जहां न्याय होगा, जहां सनातन का सम्मान होगा। और कल ही शपथ ग्रहण के बाद जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में, प्रदेश के हजारों लोगों की उपस्थिति में कल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली। और मैं सोचता हूँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों को, कामों को नीचे तक पहुँचाने के लिए ये सरकार निश्चित रूप से काम करेगी। और हमें पूरा विश्वास है कि राजस्थान अब प्रगतिशील की ओर आगे बढ़ेगा।